16 साल पहले रिलीज हुई फिल्म गजनी ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए थे, बल्कि दिल दहला देने वाली कहानी से दर्शकों को भी रुला दिया। कलाकारों की एक्टिंग से लेकर गाने तक काफी फेमस हुए। इस फिल्म के विलन प्रदीप रावत ने अब एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि वो गुस्साल सलमान खान को फिल्म में कास्ट करने के पक्ष में नहीं थे, बल्कि उन्होंने ही शांत स्वभाव वाले आमिर खान का नाम A.R. मुर्गादास को सुझाया था। आइए बात करते हैं प्रदीप रावत ने इस फिल्म को लेकर क्या क्या कहा है। गजनी फिल्म इसी नाम से 2005 में बनी तमिल मूवी का हिंदी रीमेक है। तमिल मूवी सुपरहिट हुई तो डायरेक्टर A.R. मुर्गादास को इसे हिंदी में भी बनाने का ख्याल आया। वो इसे हिंदी में बनाने के लिए बेताब थे। तब प्रदीप ने उन्हें सलमान खान की बजाय आमिर खान का नाम सुझाया था। उन्होंने ये भी कहा कि वे गुस्साल सलमान को कास्ट करने के पक्ष में नहीं है, चूंकि आमिर एकदम शांत स्वभाव के, इसलिए उन्हें फिल्म के लिए चुना गया। प्रदीप रावत ने इस बारे में बात करते हुए खुलासा किया कि सलमान खान इस भूमिका के लिए फिट क्यों नहीं थे। उन्होंने कहा, A.R. मुर्गादास कहते रहते मैं इसे हिंदी में बनाना चाहता हूं। मैंने मन में सोचा सलमान गुस्सैल है और A.R. मुर्गादास अंग्रेजी या हिंदी में बात नहीं करते हैं, उनका कोई व्यक्तित्व भी नहीं था। सरफरोश जैसी फिल्म में आमिर के साथ काम करने वाले प्रदीप ने सोचा कि अपने शांत व्यवहार के कारण आमिर इस फिल्म के लिए काफी बेहतर साबित होंगे। 72 साल के प्रदीप रावत ने आगे कहा, मुझे लगा कि आमिर खान इस भूमिका के लिए सही विकल्प साबित होंगे, क्योंकि वो शांत स्वभाव के हैं, सभी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं। पिछले 25 सालों में मैंने आमिर को किसी पर चीखते या चिल्लाते हुए नहीं देखा। उन्होंने कभी किसी का अपमान नहीं किया या अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा कि नेचर वाइज सलमान को संभाला नहीं जा सकता, नहीं तो बिना वजह की परेशानियां होंगी। एक्शन थ्रिलर मूवी गजनी की बात करते, इसे A.R. मुर्गादास ने डायरेक्ट किया था, वो इसके सह राइटर भी रहे। इस फिल्म से उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। इसमें आमिर खान के अलावा आसिन, जिया खान और प्रदीप रावत ने अहम भूमिका निभाई थी। आसिन ने इस फिल्म से हिंदी फिल्मों में कदम रखा था, वो ओरिजिनल फिल्म का भी हिस्सा थी। इस फिल्म से मिली सफलता के बाद जिया ने हाउसफुल में भी काम किया था, जो 2010 में रिलीज हुई थी। 3 जून 2013 को जिया ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। इस फिल्म में आमिर खान ने संजय सिंघानिया के किरदार निभाया था, जो आमिर बिजनेसमैन होता है, उसे स्ट्रगलिंग मॉडल कल्पना से प्यार हो जाता है, लेकिन कल्पना नहीं जानती कि संजय कौन है। दोनों की मुलाकात होना संजय का आसिन के प्यार में, और फिर बेची जा रही कुछ लड़कियों को छुड़ाकर आसिन ने गजनी नाम के गुंडे से दुश्मनी मोल ली। उसने कल्पना को मार दिया, संजय बच गया, लेकिन उसे ज्यादा देर तक कुछ याद नहीं रहता था, इसलिए उसने अपने पूरे शरीर में उन जरूरी बातों को गुदवा लिया जो उसे कल्पना के कातिल से बदला लेने के लिए याद रखनी थी। फिल्म में जिया मेडिकल स्टूडेंट सुनीता बनी थी, जिसने संजय को कातिलों तक पहुंचाने में काफी मदद की। 65 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ 232 करोड़ रुपए की कमाई की थी।